आज हमारी मीटिंग है यूट्यूबर गौरव चावला जी से, जिनसे आज हम मिलने उनके खुद ऑफिस में आए हैं ताकि हम उनसे बातचीत कर सके। आइए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गौरव भैया के ऑफिस में आया, ये इनसे मिले हैं। गौरव भैया, हाय गाइस। इनका एक चैनल है, क्या नाम है भैया आपके चैनल का? गौरव चावला। गौरव चावला के नाम से इनका चैनल है। और एक हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मेरे चैनल का नाम है आर एस ब्लॉग 1011। इस टाइम तीन यूट्यूबर बैठे हुए हैं, एक मैं आर एस ब्लॉग 1011 से, ये गौरव चावला जी, जो गौरव चावला जी के नाम से इनका चैनल है, और ये है। और किस नाम से तेरे चैनल का नाम बता? रेड 302 गेमर। इस टाइम हमारे यहाँ पर बैठे हुए तीन तीन यूट्यूबर, आकाश, गौरव चावला, और जैसा कि मेरा नाम सोनू है तो आपको पता ही है। और ये भैया का ऑफिस है, मैं आपको ना भैया का ना ऑफिस दिखाता हूँ, देखो कैसे। ये तो हो गए मेन एंट्री इनकी, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये भैया का प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है, गौरव चावला का है, और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है इनका। ये देखो, ये मैं आज इनके ऑफिस में आया हुआ था, तो ये देखो, ये हम जा रहे हैं इनके ऑफिस के अंदर, और ये इनका मेन डोर है, ये हमने खोला और ये हम अंदर आ गए यहाँ से एंट्री। पहले नंबर पे दर्शन हुए गंगा जल के, मकान मिले ना मिले लेकिन सबको पानी की प्यास मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई है, ये इनकी टेबल लगी हुई है, ये हमारे भैया बैठे हुए हैं, और यहाँ पे साथ में लगे हुए एंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगा रखा है इन्होंने। पार्टी आए, मकान ले या ना ले, लेकिन टीवी देखने को मिलेगा और पानी पीने को मिलेगा। और हमारा सुंदर सा मंदिर, और ये हमारी माता रानी का मंदिर, जो कि एक दुकान के अंदर होता है सुबह शाम की पूजा करने के लिए। तो ये लक्ष्मी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसका व्यू, देखो आप, और कमेंट में बताना कि आपको ये शेरावाली का जो मंदिर है वो कैसा लगा है। और ये हमने साथ में इसकी सिंगरी भी लगा रखी है, जो ये भी शेरावाली माता की है। और ये हमारे ये कौन से गुरु जी है? ये कौन से गुरु जी है? छतरपुर वाले गुरु जी की फोटो लगी है। और यहाँ पे लगा हुआ है AC, और ये विष्णु गार्डन का एरिया पड़ता है। जिस किसी ने भी अगर मकान खरीदना हो तो यहाँ पर गौरव भैया से आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे इनका भी ब्लॉग का चैनल जो है अभी बंद हो रखा है, क्योंकि दरअसल क्या है कि काम धंधा इतना ज़्यादा चल रहा है ना प्रॉपर्टी का, तो इनको टाइम नहीं मिलता है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे तीनों जने बैठे हुए हैं यूट्यूबर, और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अगला जो ब्लॉग होना है वो कहाँ का है। अभी दोस्तों हम बता रहे थे कि गौरव भैया कह रहे थे कि झंडे वरान माता पे चलते हैं और यहाँ से गाड़ी अपनी निकाल लेंगे, तो झंडे वरान माता का दर्शन भी कर लेंगे और वहाँ से ब्लॉगिंग भी कर लेंगे। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट जो वीडियो जो बन के तैयार होगी वो अब झंडे वरान माता की आएगी। तो जो कोई माता रानी को मानता है तो एक जयकारा लगा दो, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों अभी हमारी बहुत जल्द झंडे वरान की एक वीडियो बनेगी, तो जो जो माता रानी का भगत है वो इस वीडियो को जरूर देखना, और जो नास्तिक है वो भी देख लेते, क्या पता तुम्हारे पाप कम हो जाए। हम तो जाएंगे तुम्हारे लिए जाएंगे। तो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और जिस किसी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक किराए बिना तो बिल्कुल, भैया सब्सक्राइब करो या मत करो कोई टेंशन नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते ही रहते हैं क्योंकि वीडियो इतनी अच्छी अच्छी डालते हैं। लेकिन वीडियो पर अगर आए हो तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा। इस टाइम मैंने आपको तीन, खैर मैं तो बना ही रहा हूँ, दो यूट्यूबर जो आकाश चावला, सॉरी गौरव चावला और आकाश जी से मैंने आपकी मुलाकात कराई, उनके चैनलों के नाम बताए, इनके भी चैनल आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। और हम अभी फिलहाल इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं, और हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।